Hi everyone. Today we will discuss about Seven Step Around the Fire, written by Mahesh Datlani. इस प्ले की शुरुआत होती है एक कमला नाम के हिंजड़े के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और लोगों को ये नहीं पता कि ये एक हिंजड़ा है। इसकी शादी हो चुकी है और साथ ही इसका मर्डर भी हो चुका है। अब इसका मर्डर किसने किया है किसी को नहीं पता। तो इस प्ले में यही ट्विस्ट है कि किसने कमला का मर्डर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। कमला जो कि एक हिंजड़ा है और साथ में इसके साथी हैं अनारकली और चंपा। चंपा हिंजड़ों की हेड है, लीडर है वो। अब क्या होता है, जो उमा राव है, उमा राव बेंगलोर में एक टीचर हैं और वो इस टाइम हिंजड़ों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, और उनका हस्बैंड सुरेश राव वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में हैं, और मन स्वामी जो कॉन्स्टेबल हैं वो हमेशा उमा राव के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। जहाँ कहीं भी उमा राव जाती हैं तो मन स्वामी उनके साथ जाते हैं। अब क्या होता है कि अनारकली को जेल में देखकर उमा राव जाती है उससे पूछताछ करने के लिए, पर सुरेश राव उसको जाने नहीं देता अनारकली के पास, क्योंकि जो सुरेश राव है वो बोलता है अपनी वाइफ से, उमा से बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो हिंजड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालू होते हैं और चालाक होते हैं और वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ठीक नहीं होते, इसलिए तुम मत जाओ और यहीं पे रहो। तो जो उमा राव होती है वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उमा राव बहुत ज़्यादा प्लीज़ करती, रिक्वेस्ट करती हैं, तो उनके हस्बैंड मान जाते हैं। तो वो चली जाती है अनारकली से मिलने के लिए। जब वो जेल के अंदर जाती है अनारकली से मिलने के लिए, तो वो अनारकली को देखती है कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में वो होती है, और जेल के अंदर मेल और फीमेल इकट्ठा जेल के अंदर थे, तो उन लोगों ने अनारकली के साथ बहुत गंदे गंदे काम कर रहे होते हैं। तो उमा राव ये देखती है और अनारकली को वहाँ से निकाल के दूसरे जेल में लेके जाती है। वहाँ पर उमा राव अनारकली से सवाल पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने कमला का मर्डर कर दिया। अनारकली बोलती है कि मैंने कमला का मर्डर नहीं किया है और मुझे यहाँ से प्लीज़ आप निकालो, मतलब इस जेल से मुझे निकलवा दो प्लीज़, अगर आपके पास भारी रकम है तो आप प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करो और इनको 20,000 रुपये दे के मुझे यहाँ से निकलवा दो, और मैंने मर्डर नहीं किया है। जिन लोगों ने कमला का मर्डर किया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वाले लोग हैं। अनारकली बहुत ज़्यादा परेशान होती, रोती है, और फिर उसके बाद उमा से बोलती है कि ठीक है, मेरी जो हेड हैं जिनका नाम चंपा है वो हिंजड़ों की हेड है, और वो चंपा का एड्रेस देती हैं उमा को। फिर उमा क्या करती है कि चंपा के पास जाती है, मुन स्वामी के साथ वो जाती है चंपा के घर। जब वो चंपा के घर जाती है तो चंपा उसको इग्नोर करती है और उसको अपने घर के अंदर आने नहीं देती। फिर उसके बाद उमा बताती है कि मेरे हस्बैंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में हैं और मेरे जो फादर हैं वो कमिश्नर हैं। जब वो ये सुनती हैं तब चंपा उसको अपने घर में वेलकम कर देती हैं और उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। तो उमा उससे पूछती है कि मतलब ऐसा क्या हुआ था कि कमला की मर्डर हो गया। बात करते समय क्या होता है कि वहाँ पर सलीम आ जाता है। अब सलीम कौन है? सलीम मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा है वो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं और सलीम उनका बॉडीगार्ड है, और इस मिनिस्टर का एक बेटा जिसका नाम है सुबू। तो सलीम वहाँ पे आता है चंपा के घर में, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ों की तरह बोलता है कि मुझे कमला का बॉक्स दे दो, जिसमें कमला के कपड़े और सारी चीज़ें हैं वो वाला बॉक्स मुझे दे दो। तो चंपा बोलती है कि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि कमला के मरने के बाद वो सब मेरा हो चुका है और मैं तुमको वो नहीं दे सकती। तो सलीम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ों की तरह बोलने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा धमकी देता है कि मुझे उसके कपड़े नहीं चाहिए, मुझे उस बॉक्स के अंदर एक तस्वीर है वो चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चंपा उसको नहीं देती, और फिर चंपा बोलती है तुम्हें पता है मेरे साथ कौन खड़ी है बगल में, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वाइफ हैं और इनके जो फादर वो कमिश्नर है। तो ये सुनकर जो सलीम होता है वो डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, जो उमा राव होती है, जब वो अनारकली से मिल चुकी थी तब उसके पास 20,000 रुपीज़ नहीं थे, जैसे कि अनारकली ने उमा से बोला था कि मुझे पैसे देकर यहाँ से छुड़वा दो, पर मुझे यहाँ से रिहाई करवा दो। पर उमा के पास इतने पैसे नहीं थे, वो अपने हस्बैंड से भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि 20,000 रुपीज़ उस ज़माने में बहुत बहुत भारी रकम थी।
तो वो अपने फादर से 20,000 लेकर तब चंपा से मिलने गई थी। तो वो चंपा से बोलती है कि तुम अनारकली को प्लीज़ रिहाई करवा दो, उसकी ये है मेरे पास कुछ पैसे, ये ले लो और उसको रिहाई करवा दो। तब उमा राव उसे एक सवाल पूछती है कि ये सलीम कौन था। तो चंपा तो इग्नोर करने लगती है, उसको नहीं बताती, पर थोड़ी देर में वो बोलती है कि ये जो सलीम है वो जब कमला थी तो उसको कभी कदार अपने घर ले जाता था और घुमाता फिराता था। तो उमा राव उससे पूछती है कि ये जो सलीम है क्या वो शादीशुदा है। तो चंपा बोलती है हाँ ये शादीशुदा है, इसकी शादी हो चुकी है। तो जो उमा होती है वो सलीम का एड्रेस पूछती है, तो चंपा उसको नहीं देती, पर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो चंपा उसको दे देती है उसका सलीम का एड्रेस। फिर क्या होता है कि जब वो फिर उमा अनारकली से मिलने जाती है तो पता लगता है कि अनारकली को कोई रिहाई करके ले गया है। जेल में कोई नहीं है, अनारकली को रिहाई मिल चुकी है। अब क्या होता है, उमा और मन स्वामी वो दोनों जाते हैं सलीम के घर में। सलीम उन दोनों को आने नहीं देता है, पर क्या होता है, सलीम बॉडीगार्ड होता है मिस्टर शर्मा का, जो वाइस चीफ मिनिस्टर होते हैं। और जब वो देखते हैं कि उमा जो सुरेश राव की वाइफ हैं, तो वो उनको अंदर आने देते हैं। और उनके घर में बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही होती हैं उस वक्त, क्योंकि उनका जो बेटा था सुबू, उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। अब जो ये मिनिस्टर हैं मिस्टर शर्मा, वो उमा से बोलते हैं कि मेरे बेटे की तैयारी चल रही है और कल इसकी शादी है, तो तुम लोग ज़रूर आना, सब लोग आना। तभी क्या होता है कि वहाँ से सुबू आ रहा होता है, तो उमा उसको बधाई देती है। तो सुबू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ों की तरह बोलता है कि मुझे कोई शादीवादी नहीं करनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वो फलान बोलने लगता है। मिस्टर शर्मा बोलते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तभी वो इस टाइप से बातचीत कर रहा है और कुछ नहीं। अब जब धीरे धीरे पता चलता है कि सलीम से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तो सलीम बोलता है कि मेरी वाइफ गांव में गई है। पर जब धीरे धीरे पता चलता है तो सलीम खुद ही अपने मुँह से सच्चाई बोल देता है कि मेरी तो शादी हुई नहीं है और मैं ऐसे ही कुंवारा हूँ। अगले दिन पूरा फैमिली उमा की आती है सुबू की शादी में। और जब अनारकली का पता चलता है कि अनारकली कहाँ है, अनारकली चंपा के घर में है, उमा चंपा के घर जाती है तो वहाँ पे वो अनारकली को देखती है कि अनारकली वहाँ पे है। तो अनारकली के हाथ पैर सब मतलब टूटे होते हैं, ना किसी ने उसकी तोड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। तो उमा उसको बताती है कल मिस्टर शर्मा के बेटे की शादी है सुबह की, तो आप लोग ज़रूर आना। उन लोग शादी में जाते हैं तो उमा की पूरा फैमिली होता है सुबह की शादी में और शादी चल रही होती है। इतनी देर में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हिंजड़ों की एंट्री होती है, उन लोग नाचना गाना चालू कर देते हैं। तब मिस्टर शर्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि ये जितने भी हिंजड़े यहाँ पे आए हैं उन सबको यहाँ से बाहर निकालो धक्के मार के। पर उमा मिस्टर शर्मा से रिक्वेस्ट करती हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर इनका श्राप लग जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, इनको यहाँ रहने दें और ये थोड़े पैसे मांगेंगे, इनको पैसे दे दें और ये न्यू कपल जो होते हैं उनको ब्लेस करते हैं, तो इनकी जो ब्लेसिंग होती है बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल होती है। तो ये सब बातें सुनकर मिस्टर शर्मा हिंदुओं को बाहर नहीं निकालते हैं, वो अपना नाचना गाना करते हैं। तभी क्या होता है, सुबू अनारकली और चंपा को देखता है, तभी सुबू को कमला भी दिखाई देने लगती है। और फिर क्या होता है, वो उसको कमला दिखाई देने लगती है और अनारकली के हाथ में वही फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो क्या होती है कि कमला और सुबू की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, जहाँ पे कमला और सुबू की शादी एक मंदिर में हुई थी, वहाँ पे जब मिस्टर शर्मा को पता लग गया था कि सुबू ने कमला के साथ शादी कर ली है, तो उसी मंदिर में मिस्टर शर्मा ने कमला को ज़िंदा जला दिया था। इसलिए सलीम धमकी देकर चंपा से बोल रहा था कि मुझे वो बक्सा दे दो, मुझे वो एक फ़ोटो लेनी है। अगर वो फ़ोटो ले लेता और किसी को पता भी नहीं चलता उनकी, क्योंकि रेपुटेशन ख़राब होती कि एक हिंजड़े से शादी इसके बेटे ने की है, रेपुटेशन ख़राब होती, इसलिए मिस्टर शर्मा ने कमला को ज़िंदा जलवा दिया था। तो सुबू आता है और अनारकली के हाथ से वो फ़ोटो ले लेता है और कैसे भी करके सुरेश राव से छीन छान के गन को लेकर वो पहले अपने फादर की तरफ करता है, फिर वो अपनी तरफ करके शूट कर देता है अपने आप को। तो मिस्टर शर्मा ने यहाँ पे दो मर्डर कर दिए, पहला एक कमला का जो कि उसको ज़िंदा जलवा दिया था, और दूसरा अपने बेटे को। तो यहीं पे हम लोग का प्ले फिनिश होता है। आई होप आपको
ये प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।